और श्रावस्ती में महिलाओं पर अत्याचार थम नहीं रहा। जमीनी रंजिश में पाटीदारों ने गर्भवती महिला पर किया हमला। महिला का आरोप है कि पेट तथा नाजुक अंगों पर भी बच्चियों ने लात घुसे की करीब औछार। मारपीट में महिला बुरी तरीके से घायल। एम्बुलेंस में लात करके महिला को इकोना के सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। महिला का आरोप है कि गर्भाशय पर आई है चोट, गंभीर हालत में जिला अस्पताल किया गया है रिफर। श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में दबंग पाटीदारों ने अकेली महिला पर किया हमला। महिला का पति प्रदेश में करता है मेहनत मजदूरी। गर्भवती महिला के परिजन ऊषा देवी को जिला अस्पताल लेकर भागे हैं। तो ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव का है, जहां पर आज दोपहर में एक गर्भवती महिला जिसका नाम ऊषा देवी बताया जा रहा है, उस महिला को इकोना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। महिला ने मीडिया कर्मियों से बताया कि उसके ही पटीदारों ने, विपक्षियों ने उसके ऊपर लात मुके और घूसे से प्रहार किया है, जिससे महिला को काफ़ी चोट आई है। परिवार के लोग जो है, महिला जिसका नाम ऊषा देवी बताया जाता है, उसको जिला अस्पताल लेकर भागे हैं। क्या नाम है आपका? ऊषा देवी। ऊषा देवी बताओ, किसने मारा है आपको? हरिचंद पहले मारी नहीं चाहे, हरिचंद बहुत मारी नहीं, लाते लात गाता है का भोसड़ा चौदिंग मारो कि ये मेर मारो कि पेटियम मारो करे कमर में मारो एक हाथ गोड़ बटवर दे तूर दियो एक फूटे चोट लायक ना मारो। किस किस वजह से मारा है? क्या जो क्या वजह? हरिचंद मारी नहीं, जोखू मारी नहीं, जगत राम मारी। लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ है? लड़ाई झगड़ा हुआ साहेब, हमारे खेत लिया रहे, अभी अपन घर ही उठावत रहे, तब डेढ़ हाथ मेढ़ रहा, कौनो रास्ता रह रहा सरकारी खाली डेढ़ हाथ मेढ़ रहा, तब ये कहीन कि हमार पर्सियल वह अपन उठा लीन, तैसे बोला गा तुहू छोड़ दो हमहू छोड़ दी, सब कहा जाए रास्ता हमहू रहे तुहू रहे जे आवे तेहू रहे, तब ये कहीन कि हमार पर्सियल हम ना छोड़ब, तो हम कहें तू ना छोड़िए तो हम एक बिट्टा छोड़ कर अपन उठा लेबे, हम खोदेन जैसे कहीन तू न तू का ना उठावे दिए। अरे बोलम साहब, हमने बहुत मारी ने कहा था तू का हम जे ना बेटे मारी नहीं, कमर में मारी नहीं या गोड़े में मारी नहीं। कहाँ है आपका पति? दिल्ली है साहब, रहे तो दिन कुछ नहीं बोले है, जब चला गए तो सुबह मारी नहीं, हमारे कोई नहीं सुनवाई करत है।